चलो जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। आज तुम लोगों को बतलाना है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जो 6 वर्ष की सजा और मांडले जेल मिला था उस संदर्भ में। पीडीएफ इतना ही रहेगा लेकिन कंसेप्ट लाजवाब रहेगा, बात को समझोगे। हम तुम लोगों को पिछला वीडियो में ये बतला चुके थे कि सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गया था। तो सूरत अधिवेशन के बाद जो नरमपंथ और गरमपंथ दो धड़े में बटा था, अब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत की जो मानसिकता थी राजेश, वो ब्रिटिश हुकूमत का सोच क्या था? ब्रिटिश हुकूमत का सोच ये था कि नरमपंथ को अपने पक्ष में मिला लो और गरमपंथ को तब तक पीटते रहो या गरमपंथ की ताकत को ताकत से कुचल दो, और जैसे ही गरमपंथ की ताकत कुचल दी जाएगी नरमपंथ को दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठाकर फेंक दो। ये किसकी सोच है? ब्रिटिश हुकूमत की। जी, हुकूमत डरती है किससे? गरमपंथ से। लेकिन वो लाचार है किससे? नरमपंथ से, क्योंकि नरम और गरम दोनों एक साथ है। और यही नरम और गरम दोनों अलग हो चुका है कब? 1907 के सूरत अधिवेशन में। ब्रिटिश हुकूमत यहाँ एक चाल चली, जैसे ही उसको इस बात की जानकारी मिली कि नरमपंथ और गरमपंथ में फूट पड़ चुका है, नरमपंथी और गरमपंथ में जो फूट की सूचना ब्रिटिश हुकूमत को मिली, अंग्रेजों ने सीधे नरमपंथियों को कहा कि तुम्हारी क्या मांग है बोलो। अब तो नरमपंथ को लगने लगा, अरे साला कितना भारी हम गलती किए कि हम किसके साथ रहे? गरमपंथ के साथ रहे। गरमपंथ भी अलग हो गया, लेकिन सच्चाई क्या था कि नरमपंथ की ताकत थी गरमपंथ और गरमपंथ का सुरक्षा कवच था नरमपंथ। मतलब नरम के बगैर गरम अधूरा था, गरम के बगैर नरम अधूरा था। ये बात को वो लोग अभी समझ नहीं पाया। नरम पंथ को भी लगा, नरम पंथ को लगा कि जब हम गरम पंथ से अलग हुए तो हुकूमत मेरी हर मांग हर आरजू पूरा करने को तत्पर तैयार बैठी है, हमको किसी भी कीमत पर गरम पंथ के साथ होना नहीं चाहिए। यारा राष्ट्रीयता हिलोरे मार रहे थे। परिणाम ये हुआ कि लगा इनको भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कि अब क्या किया जाए, कांग्रेस रूपी संगठन में भी फूट चुका है, फूट पड़ चुका है, और स्वयं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक समर्थक हैं किस घड़े धड़े के? गरम पंथ के। गरम पंथ का मतलब समझ रहे हो ना क्या? अरे गधा, देख जनरली होता है कि नरम पंथ का मतलब लोगों लगाता है अहिंसा और गरम पंथ का मतलब लगाता है हिंसा। तो बताओ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कभी जिंदगी में चूहो मारे हैं? नहीं मारे हैं। तो कौन कीमत पर हो जाएंगे हिंसक? देखो नरम पंथ का मतलब होता है कि संविधान जिस दायरे में आपको विरोध करने का अधिकार दिया है उस दायरे में रहकर अगर आप विरोध करते हैं तो आप नरमपंथी हैं। फरियाया, लेकिन जैसे आज आज मोदी जी के युग में कौन चीज आप हड़ताल कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं अहिंसक तरीके से? लेकिन तुम बलजबरन हड़ताल करा दो, बलजबरन धरना दिला दो, बलजबरन प्रदर्शन करा दो, रेल यातायात ठप कर दो, स्कूल कॉलेज बंद करा दो, बैंक बंद करा दो, ये तरीका गर्मपंथी कहलाएगा, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर हिंसा हो जाएगा तो हो जाएगा वही क्रांतिकारी आतंकवाद। मतलब गर्मपंथ का मतलब ये मीनिंग कभी नहीं निकालना है कि मां कसम बदला लूंगा, कसम पैदा करने वाले की जीने नहीं दूंगा। अगर गोली बारूद बम बारूद मारा काटी काटा काटी अगर हुआ तो क्या कहलाएगा? क्रांतिकारी आतंकवाद। क्रांतिकारी आतंकवादी नहीं हो सकता और आतंकवादी क्रांतिकारी नहीं हो सकता, लेकिन चैप्टर का नाम इतिहास में यही है, क्यों है काहे है चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कविता लिखे थे मराठी में, उस वक्त तुम छोटा था इसलिए तुमको होश नहीं होगा, हम थे उनके साथे थे, रहते थे, फाइल तेल लग देते थे, तो हमको जानकारी है। वो कविता लिखे और कविता में क्या लिखे जानते हो? कि आज हर हिंदुस्तानी को शिवाजी बन जाना चाहिए क्योंकि औरंगजेब बहुत बढ़ गया है, औरंगजेब की तादाद बढ़ चुकी है, हर हर हिंदुस्तानी को क्या हो जाना चाहिए? शिवाजी बन जाना चाहिए। अगर आवाम की 45 करोड़ आबादी या 30 करोड़ आबादी 70 करोड़ हाथ उठा ले तो हुकूमत को भारत से भागना ही पड़ेगा, औरंगजेब का सफाया हो ही जाएगा। तो कविता जो लिखे उसमें हर कदम पर दो ही चीज था, एक शिवाजी और दूसरा औरंगजेब। तो अंग्रेजों को कहा गया कि भाई तिलक ने जो कविता लिखा है ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध है, तो विरुद्ध है तो कहा कि भाई कविता कौन सी है? तो जो अंग्रेज चुतिया लोगों को हिंदी नहीं बुझाता वो मराठी कहाँ से बुझाएगा? तो उसको ट्रांसलेट करवाया, ट्रांसलेट कराया तो हर जगह एक ही चीज़ मिला, औरंगजेब और शिवाजी।
औरंगजेब मर गया है 1707 में और 1680 में मर चुके हैं कौन, शिवाजी। और अभी इतिहास है कब का, 1908 का। तो कहा कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो कहीं हमारा नाम ही नहीं, अंग्रेज का तो नाम ही नहीं है, कदम कदम पर कौन है, औरंगजेब और शिवाजी। तब आ गई बात, तब उसको समझाया गया कि सर बुल्की बोल, औरंगजेब अंतर्राष्ट्रीय हरामी था और वो यहाँ आप हो, और हर भारतीय को आह्वान कर रहा है कि तुम शिवाजी की तरह उठो और औरंगजेब को जैसे वो धुने थे वैसे इसको धुनो। तब अंग्रेज को लगा कि तो बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट गरिया के निकल गया। तब कहा कि क्या किया जाए, तो बोले इनको गिरफ्तार किया जाए। तो गिरफ्तारी के लिए जानते हो शाम के समय में वो वारंट निकल मैंने तैयार किए थे ताकि उनको कोई जानकारी नहीं मिले, लेकिन उनका एक शुभचिंतक था, वो शुभचिंतक जो है रातें रात जा करके तिलक को कह दिया कि तिलक जी आप बेल का जुगाड़ कर लीजिए नहीं तो जेल जाना तय है। तिलक थे यारा, वो कुछ नहीं किए, दूसरा दिन ठीक है तिलक चंदन लगा के टाइट थे। आला अधिकारी सब आया तो ये अपने वेलकम किए, बैठाए और सब एक्ट सुना दिए कि हमारे ऊपर ये धारा लगा है और आप हमको गिरफ्तार करने आए। तो लोगों का टावर छोड़ दिया, साला जान रहा था तो भागा काहे ने, तो कहा कि भागा काहे ने, कहा कि गिरफ्तार कीजिए तो सही सर, तिलक की हो गई गिरफ्तारी। दूसरे दिन अखबार में एकदम मोटा मोटा सुर्खी छपा कि ये कैसी जालिम हुकूमत है जो कविता लिखने के कारण जेल की सजा देती है, क्या मानवता यहाँ की इतनी मर गई है कि लोगों को बोलने तक की स्वतंत्रता नहीं है, लिखने तक की स्वतंत्रता नहीं है। अब बताओ जो जो इस तरह का डायलॉग पढ़ेगा उसके मन में आक्रोश पैदा होगा कि नहीं, तो उस तरह का व्यक्ति जो इतना दिलेरी दिखाएगा वो आम लोगों के दिलों पर राज करेगा कि नहीं, तो वो लोक मान्य कहलाएंगे कि नहीं। उपाधि मिल गया इनको क्या, लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक को। और यही लोक मान्य बाल गंगाधर तिलक को 1908 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए मांडले जेल की सजा मिली थी। बड़ा टफ जेल होता है यार, वहाँ पर एकदम कुत्ते की तरह वर्क कराता है, केबिन टाइप पर रूम होता है, कोल्हू से तेल वेल पेरवाता है, मैंने लोग दुआ करता था कि हमको मृत्यु मिल जाए लेकिन मांडले जेल की सजा ना मिले, और इस प्रकार मांडले जेल की सजा इनको मिल जाता है। किनको, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे कर्मवीर योद्धा जिसको इतिहास और भारतवर्ष दोनों नमन करेगा। क्योंकि इतिहास हम पढ़ा रहे हैं सीरियल वाइज डेट बाई डेट, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो ये पहुंच गए हम 8, अब अगला वीडियो में हम जाएंगे 9। तो ये थी खबरें आज तक, इंतजार कीजिए 1909 तक। जय हिंद, जय भारत।